दाना बांधुची दाना स्पष्ट कला पाणीपाग विभाग आसुची बात्या काली सकाळ सुद्धा बंगोपसागर सृष्टि हेबो लघुचाप 22 रे अवपात 23 रे नेबो झड़ बात्यार रूप 24 तारीख रे बात्या ओडिशा पश्चिमबंग उपकूल छुईबा संभावना उपकूल आभ्यंतरीण ओडिशा रे हेबो प्रबल वर्षा पुरी खोर्धा गंजाम जगतसिंहपुर को रेड अलर्ट 24-25 तारीख ओडिशा पई गुरुत्वपूर्ण मुकाबला पई राज्य सरकार को जोरदार प्रस्तुति अक्टोबर रे ओडिशा को पुणी बात्या भय उत्तर आंडामान सागर केन्द्रीभूत घूर्णी बलय नेउछि बात्यार रूप एने स्पष्ट करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग आगामी 24 घंटे पूर्व केन्द्रीय बंगोपसागर सृष्टि हेबो लघुचाप क्षेत्र अधिक घनीभूत होइ एहा 22 तारीख सकाळ सुद्धा नेबो अवपातर रूप 23 तारीख रे एहा बात्यार रूप नेबो उत्तर पश्चिम दिगरे गति करी 24 तारीख सकाळे ओडिशा पश्चिमबंग उपकूल छुईबार संभावना रहिछि ल्यांडफल समय पवन रेग सर्वाधिक रहीपे 100-120 किलोमीटर बात्या प्रभाव में राज्य में 23 तारीख रूप प्रबल वर्षा आईएमडी डीजी मृत्युंजय महापात्र 24-25 तारीख ओडिशापाई गुरुत्वपूर्ण 20-30 सेंटीमीटर वर्षा होपे उपकूलवर्ती जिलार खालुआ अंचल सृष्टि होपे बन्या स्थिति 25 तारीख जाए मत्स्यजीवी को समुद्र बारण कर जो माने समुद्र भितरे अछंती 21 तारीख सुद्धा फेरी आसीबा को दिया जाय छी परामर्श पवन रो बेग धीरे धीरे बढ़िवार लगी समुद्र अशांत होबार लगी जिते बड़े उत्तर पश्चिम बंगोपसागर से पहुंचे से पवन रो बेग 100-120 किलोमीटर प्रति घंटा होबार संभावना रही सी कंडीशन हाई टू भेरी हाई होबार संभावना रही तेणु कौन मत्स्यजीवी भाई मैंने 25 तारीख पर्यंत समुद्र मध्य जावा उचित नुह जे माने समुद्र अछंती से माने स्थल भाग को फेरी आसीबा उचित 21 तारीख सुद्धा ओडिशा पई सबुठ बेसी गुरुत्वपूर्ण हो 24 तारीख आ 25 तारीख यही दुई दिन में सबुठ अधिक वर्षा और अधिक पवन होबार संभावना रही सामुद्रिक ज्वार आसीपे यही वर्षा हवा फल खालुआ अंचल रही उपकूलवर्ती जिला मानक बन्या प्लावित हो पाए जेहेतु मौसम बाय समय भल वर्षा होेणु नदी मानक पा रही तेणु बन्यार आशंका सृष्टि हो पाए बात्या प्रभाव में 24-26 तारीख जाए राज्य में लग रर्षा 24 तारीख में अत्यंत भारी बा भीषण वर्षा लगे पुरी खोर्धा गंजाम और जगत सिंहपुर जिला को रेड वार्निंग जारी होपरी केन्द्रापड़ा कटक नयगढ़ खोर्धा गंजाम यही पांचटी जिला को अति प्रबल वर्षा लगे जारी होरेज आलर्ट बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगत सिंहपुर पुरी खोर्धा गंजाम और गजपति जिले में होपे प्रबल वर्षा यह 10 जिला को जारी होलो वार्निंग 25 तारीख में भी भद्रक बालेश्वर जाजपुर अनुगुल ढेंकानाल बौद्ध कंधमाल रायगड़ा कोरापुट मलकानगिरी मयूरभंज केन्दुझर जिले में प्रबल वर्षा पई सतर्क कराई आंचलिक पाणीपाग केन्द्र 23 तारीख 24 तारीख 25 तारीख में वर्षा बढ़िबार संभावना रही 24 तारीख में वर्षा रकूलवर्ती ओडिशार जिला मानक प्रबल वर्षा हबार संभावना रही कांभा जगार ता सहित 24 तारीख में किछि स्थान प्रबल रु अति प्रबल वर्षा होगा सहित कांभा स्थान में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल भी हबार संभावना रही बात्या मुकाबला आगुआ प्रस्तुति आरंभ कर राज्य सरकार मुख्य शासन सचिव अध्यक्षत अनुषित बैठक में बात्या मुकाबला लगे सतर्क रह बात्या आश्रयस्थल प्रस्तुत रखा जिला प्रशासन मान निर्देश दि जाए सब विभाग अधिकारी आलोचना कर राजस्व विपर्य परिचालना मंत्री सुरेश पुजारी उड्राफ एनडीआरएफ जरूरकालीन विभाग को सतर्क रहा दि जाए निर्देश मंत्री सुरेश पुजारी कहते सरकार संपूर्ण प्रस्तुत राज्यवासी भयभीत होवार आवश्यकता नहीं प्रशासन संपूर्णतया प्रस्तुत अच्छी प्रशासन रो सब लक्ष्य अच्छी जीरो कैजुअल्टी कौन मनुष्य कौन पशु संपद कहार हानि न हो तापे प्रशासन संपूर्णतया प्रस्तुत अच्छी मुशा कर समस्त जनसाधारण को मध्य अपील कर समस्ते सचेत रहंतु संभाव्य जिला माने जो माने प्रभावित होवार संभावना अछि से जिलार जिलापाल मानकु एवं अन्य अधिकारी मानकु ए बाबदरे पूर्वरु सूचित कराहिछि एवं समस्त प्रस्तुति आरंभ हो गेलानी ओडिशा सरकार संपूर्ण प्रस्तुत अछन्ति समस्त प्रकार परिस्थिति को सामना करिया पे प्रस्तुत अछन्ति लोके आदो भयभीत आतंकित होंतु नै सरकार सेमानकर पछरे अछि सेपटे बात्या को दृष्टि रखी केही भी अत्यावश्यक सामग्री रो कलाबजारी न करबाकु तागिद करछन्ति जोगाण मंत्री समस्ते सतर्क हुंतु सरकार कलाबजारी बरदास्त करिबे नाही विभागीय अधिकारी माने स्टॉक पॉइंट चेक करिबे एनफोर्समेंट टीम एहार तदारक करिबे देखंतु अत्यावश्यक जिनसो जो माने कलाबजारी करछंती
ମୁଁ ସତର୍କ କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ କଳାବଜାରୀ ଆମ ସରକାର କେବେ ବରଦାସ୍ତ କରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ କହିଛୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଷ୍ଟକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ମାନେ ଛାନଭିନ ହେବ, ପୁରା ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯିବ, ଚେକ୍ କରିବ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ କଳାବଜାରୀ କରୁଛି, କଳାବଜାରୀକୁ ଏଠି ଆଲାଉ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଲଘୁଚାପ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ପରେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା କେତେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ଓ କେତେ ପରିମାଣର ବର୍ଷା ହେବ ତାର ସଠିକ ଆକଳନ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।